हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंतरा और आज मैं बनाने जा रही हूं डिलीशियस स्पाइसी बैंगन मसाला। बैंगन मसाला एक वेजिटेरियन डिश है, ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनती है। तो आइए बैंगन मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो देख लेते हैं। बैंगन मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम बैंगन। मैंने छोटे साइज के बैंगन लिया है। मैंने बैंगन को ऐसे कट कर लिया है। रिफाइंड तेल, टमाटर प्यूरी, थोड़ा सा धनिया पत्ता, एक टेबल चम्मच इमली की चटनी, आधा टेबल चम्मच चीनी, एक टेबल चम्मच जीरा पाउडर, एक टेबल चम्मच धनिया पाउडर, 50 ग्राम सादा तिल, 50 ग्राम मूंगफली, एक बड़े प्याज बारीक कटी हुई, एक टेबल चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, एक टेबल चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, एक टेबल चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबल चम्मच हींग, एक चम्मच होल गरम मसाला, आधा टेबल चम्मच मेथी, एक तेज पत्ता, एक टेबल चम्मच जीरा, आधा टेबल चम्मच सरसों, दो सूखे हुए लाल मिर्च। बैंगन को मैंने बीच में से कट कर लिया है ताकि बैंगन अंदर से पूरी तरह से पक जाए। और इसी तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि बैंगन के अंदर कुछ है या नहीं। कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें मैं मूंगफली को डाल दूंगी और सादा तिल को डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा धीमी आंच में 5 मिनट तक भूनना है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल दूंगी इसको फ्राई करने के लिए। ये तैयार हो गई है। अब इसको मिक्सचर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसका एक पेस्ट बनाना है। सबसे पहले बैंगन को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो गई है। अब इसमें मैं एक के बाद एक बैंगन को डाल दूंगी। बैंगन को पूरी तरह से फ्राई नहीं करना है, बैंगन का थोड़ा सा फ्राई करना है। बैंगन आधा फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे। अब मसाले को तैयार करते हैं। कढ़ाई गरम हो गई है। अब इसमें मैं 3 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। तेल गरम हो गई है। अब इसमें मैं गरम मसाला, मेथी, लाल मिर्च, सरसों, जीरा और तेज पत्ता को एक साथ डाल दूंगी। मसाले को थोड़ा सा भूनना है ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो पूरी तरह से तेल में आ जाए। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई प्याज को डाल दूंगी और प्याज को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। अब इसमें मैं आधा टेबल चम्मच नमक डाल रही हूँ ताकि प्याज जल्दी से पक जाए। अब इसमें मैं 1 टेबल चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। अब इसमें मैं टमाटर प्यूरी को डाल दूंगी और मसाले को 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। अब इसमें मैं 1 टेबल चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लूंगी। मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं पेस्ट किया हुआ जो मसाला है वो डाल दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। अब इसमें मैं 1 टेबल चम्मच धनिया पाउडर, आधा टेबल चम्मच हींग और 1 टेबल चम्मच नमक डाल के मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी।
अब इसमें मैं 1 टेबल चम्मच इमली की चटनी और 1/2 टेबल चम्मच चीनी डाल के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दूँगी। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल दूँगी। और फ्राई किया हुआ बैंगन को इसमें डाल दूंगी। पानी को पूरी तरह से सूख जाने तक इसको बॉईल करना है। 10 मिनट हो गई है, अब ढक्कन हटा के देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैंगन मसाला एकदम पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और एक बाउल में बैंगन को निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैंगन मसाला पूरी तरह से तैयार हो गई है और ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं। बैंगन मसाला तैयार होने में करीबन 30 मिनट टाइम लगे है। इसको आप चावल, पुलाव, बिरयानी किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। इतना अमाउंट आप परिवार के 3 सदस्य को सर्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।